हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरापुट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप कुछ भी ज़्यादा जानकारी के लिए कोरापुट का ऑफिशियल वेबसाइट www.koraput.nic.in लॉगिन करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और देखते हैं, आपका ब्लॉक डाटा मैनेजर 3 पोस्ट हैं। आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम, आप दी कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट विथ आपका PGDCA कोर्स होना चाहिए। 13,200 रहेगा सैलरी आपका। और ब्लॉक मैनेज अकाउंट मैनेजर के 3 पोस्ट हैं, उसके लिए भी आपका ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए या 50%। और आपका सैलरी रहेगा 15,215। इंजीनियर के 2 पोस्ट हैं, डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम AICTE। और सैलरी रहेगा 27,783 प्लस। और न्यूट्रिशन कम काउंसिलर के लिए आपका BA विथ होम साइंस होना चाहिए और सैलरी रहेगा 15,215। कंसल्टेंट मेडिसिन के लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए, 63,000 रहेगा आपका सैलरी। प्रेडिक्शन DEIC के लिए आपका MBBS विद MD होना चाहिए और सैलरी रहेगा 63,000। और मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री होना चाहिए, 50,400 रहेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट NMHP के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और एप्लाइड साइकोलॉजी और मास्टर इन फिलोसॉफी होना चाहिए, 24,696 रहेगा आपका सैलरी। और मेडिकल ऑफिसर अंडर NPDCS के लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए, 50,400 रहेगा सैलरी। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए और 48,510 रहेगा सैलरी। मेडिसिन ऑफिसर के लिए DRTB सेंटर के लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए, 48,510 होगा सैलरी। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए और 50,400 रहेगा आपका सैलरी। और ऑटोमेटिक डिग्री के लिए आपका डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 12,799 रहेगा। डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी आपका डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, 11,000 रहेगा आपका सैलरी। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, 17,420 रुपये रहेगा सैलरी। आई डॉक्टर के लिए आपका RBSK के लिए आपका बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन होना चाहिए और 20,000 रहेगा, 880 रहेगा आपका सैलरी। और WIC ऑपरेटर कम हाई स्किल हेल्पर के लिए आपका फुल टाइम आपका ITI कोर्स होना चाहिए, NCVT और SCVT से इशू हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस फी मंगा हुआ है और 13,230 रहेगा आपका सैलरी। और ये सब फर्स्ट आप आवेदन कर सकते हो बाय पोस्ट 9-10-19 तक आप आवेदन कर सकते हो 5 PM तक। और कुछ भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।